हमारी पहली दिवाली पर तुम्हारे लिए पहला तोहफा। लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, उसे ये तो पता चल जाएगा कि मेरी कोशिशें जारी हैं। हो रहा है सब, तुमसे तो कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, जो कुछ भी होता है सब तुम ही से होता है। तुम तो हो ही सर्वगुण संपन्न और हम हैं नॉन गुण संपन्न। अरे हम ये नहीं कह रहे कि हमसे हो रहा है, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। तुम कोशिश तो करो। काश यहाँ पे अलका दीदी होती, वो ना ये सारा काम झट से खत्म कर देती। पागल हो क्या तुम, इतनी मुश्किल से उन्हें वापस भेजा है। हाँ, अब तो बस भगवान जी से एक ही प्रार्थना है कि बुआ जी के रहते रहते दीदी खुद को सही साबित करे, नहीं तो। अनुष्का एक बात कहे तुमसे, हमें ना इन बुआ जी से बहुत डर लग रहा था। क्या डैशिंग सुपर ग्रैंड सास जैसी थी ना। अगर कुछ अच्छा करेंगी तो बहुत ही अच्छा करेंगी, और अगर कुछ बुरा करेंगी तो अपने जैसा सुपर ग्रैंड बुरा करके ही जाएंगी। नहीं नहीं, सब कुछ सही होगा। अलमारी में अभी भी आपके सामान के लिए जगह खाली है। अलका जी, मैं अभी भी आपकी बहुत केयर करता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं इस घर से ज्यादा लगाव मत लगाइए, वरना आगे आपको ही मुश्किल होगी। और आप इस घर में सिर्फ बुआ जी के कहने पर आएंगे, जिन्हें हम सच्चाई नहीं बता सकते। और थैंक यू, इस घर में आकर हमारी फैमिली पर फेवर करने के लिए। आपने हमें खुद से दूर कर दिया रोहन जी, क्योंकि अभी आप सब कुछ नहीं जानते। वही दूरी खत्म करने के लिए हम वापस आए, हर जगह सिर्फ अलमारी में नहीं, आपके दिल में भी बाकी है हमारे लिए, और वो जगह हमारे बिना हमेशा ही खाली रहेगी। से क्या देख रही हो? हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, याद नहीं? स्टोर रूम में मिले थे। सॉरी अनु, सॉरी सॉरी। आपको क्या चाहिए? मुझे
ये सब्जियां बताओ, पालक क्या भाव दी? सॉरी पैट जो, यू नो जैसे लोग रिश्ते में हाथ मांगते हैं वैसे ही फॉर सम रीजन किसी को तुम्हारे पांव चाहिए। क्यों और किसे? इसे और क्यों? आई गेस ये तुम्हें पसंद करते हैं। आई गेस उन्हें बोल दीजिए कि हमें पसंद करना बंद करते। गिफ्ट ना सही, प्राइस समझ के ले लो। तुमने मेरी इतनी हेल्प की है चैरिटी फंक्शन में, इसलिए। रजत प्लीज, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इन सब से हमारे बीच सब कुछ ऑकवर्ड होता जा रहा है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अनु, एक बार पहनकर देख लेना, अगर ऑकवर्ड लगा तो बेशक वापस कर देना, और अगर नहीं तो मुझे भी दिखा देना कि कैसा लग रहा, मुझे ऑकवर्ड नहीं लगेगा। नमस्ते। तुझे तो इन लड़कियों का पता ही है ना। हाय मिंटी, जब से ये लड़कियां आई है ना तब से मेरा टीवी देखना तो जैसे छूट ही गया है। हाय लड़कियां कितनी एंटरटेनिंग है। और अब ये बुआ कैसे थी जो लेने आ गई? क्या बताऊं भाई, जो बड़ी विचित्र प्राणी है। वैसे कुछ और भी हो ना तो बता दियो। ओ भाई दिवे, डेकोरेटर का नंबर मिला कि नहीं? अरे वही तो ढूंढने आई हूँ, रजत के कमरे में ढूंढ रही हूँ। दिवाली से पहले तो मिल ही जाना है, तो रुक जा। अरे मिल गया, रजत के ड्रॉ में ही पड़ा था सामने। सात ज्वेलर्स, वन एंकलेट, एंकलेट का बिल रजत के ड्रॉ में कैसे आया? मिंटी जी, बिल आते नहीं लाए जाते हैं। हाँ? मिंटी, कंग्रेचुलेशंस है तुझको। मतलब? तेरा बेटा तेरे लिए बहू लाने वाला है। कंग्रेचुलेशंस बनती है कि नहीं? गलती से आ गया होगा। आए हाय, तेरे टोन से तो खुद ही कन्वेंस नहीं लग रही है, हैं? पर मैं तो कन्वेक्शन के साथ कह सकती हूँ कि हो ना हो तेरे होने वाली बहू ना वन ऑफ द शास्त्री सिस्टर्स ही है। हेलो हेलो, और मिंटी आ रही थी यार। हाँ हाँ, जिंदा हूँ, मरी नहीं। नंबर ढूंढ के तुझे वापस फोन करती हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी बड़े काम है। हाँ नहीं तो जब तक पता नहीं लगा लेती कि ये बिल कहां से आया, न मरूंगी न किसी को चैन से जीने दूंगी। एक बार पहनकर देख लेना, अगर ऑकवर्ड लगा तो बेशक वापस कर देना। अरे अनुष्का, ले आई सब्जियां। वैसे हम जानते हैं कि तुम्हें किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है, पर अगर तुम कहो तो हम हेल्प कर देंगे। नहीं नहीं, तुम रहने दो, हम कर लेंगे। देखा, हमें पता था
पता नहीं, शायद थोड़ी देर पहले रजत आए थे, वो ही छोड़ के गए होंगे। रजत से आए थे? A soldier's salute to the bravest Shastri girl. Wow, कितना pretty है। वैसे ये किसके लिए हो सकता है? Of course हमारे लिए ही होगा। हमसे ज़्यादा brave कौन है यहाँ पर? हम एक काम करते हैं, रजत से को thanks क्या कहते हैं? दिव्यानी। दीदी कुछ भी तो नहीं। हम छोटे इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिमाग भी छोटा है, हमें सब पता है। आप किसी चीज को लेके टेंशन में है ना, बताइए क्या हुआ। हाँ टेंशन में थे ना तुम, हर साल की तरह फिर से पटाखे ले आई। हमने कहा था ना कि गुड्डू पटाखे मत जलाया करो, इससे नॉइस पोल्यूशन होता है। इससे अच्छा पैसे गरीबों में बांट दो, दिवाली और भी ज्यादा हैप्पी हो जाएगी। दीदी हमने इस बार ऐसे ही किया, बस कुछ फुलझड़ियाँ और ये रॉकेट लेके आए, आवाज वाले पटाखे नहीं लाए हम। अब इसे छोड़िए और आप बताइए, बताइए क्या हुआ। अच्छा तुम अभी इतनी बड़ी हो गई हो, दादी अम्मा बन गई हो, तुमसे कुछ छुपा सकते हैं क्या? पर सच बताए गुट्टू, मैं खुद ही नहीं पता कि हम परेशान क्यों हैं। तो तुम्हें क्या बताए, फॉर द गिफ्ट। शाम के लिए ऑलमोस्ट सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं। आई थिंक इट शुड गो वेल। थैंक्स फॉर द गिफ्ट। एक्सक्यूज मी, ये दिव्यानी अनु के बिहाफ पे थैंक्स क्यों बोल रही है? कहीं अनु ने तो उसे नहीं कहा? ये शास्त्री सिस्टर्स हमेशा मुझे कंफ्यूज करती हैं। गिफ्ट एक को दो, थैंक्स दूसरी बोलती। कमाल है। क्या आप बात करने के लिए फ्री हैं? दीदी चलो ना, हम आपको दिखाते हैं आपको क्या पहना दिवाली। अच्छा ठीक है बताओ। हेलो सर। या दिव्यानी, कुछ काम था? नहीं सर, हमने बस आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि हमें आपका गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगा। अनु ने तुम्हें बता दिया? हाँ सर, हम बहनें एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं। अच्छा दिव्यानी, अनु को गिफ्ट कैसा लगा? अनुष्का को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती सर। ऐसा उसने कहा तुमसे? नहीं उसने ऐसे कहा तो नहीं, पर हम उसे अच्छी तरीके से जानते हैं ना इसलिए। ऑलराइट दिव्यानी, आई हैव टू से बाय, अभी फंक्शन की काफी तैयारी बाकी है। अगर आपने हेल्प करने के लिए हमें भी चूज कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता सर। कम ऑन देवयानी, प्लीज ऐसा बोल के मुझे और गिल्टी फील मत कराओ। वैसे भी शाम के फंक्शन के लिए पासेस लिमिटेड हैं। आई एम सॉरी बट मैं तुम्हें इनवाइट भी नहीं कर सकता। और अगर होते तो आप इनवाइट करते सर? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है? हमारे लिए इतना ही काफी है सर। थैंक यू सो मच, बाय। ये वाली, ये देखो,
दीदी अब अभी तो फिगर आउट नहीं कर पाए कि क्या पहनूं। इतने सारे तो अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं। पता है कि किस चीज के सिम्टम्स हैं? प्यार के। सॉरी सॉरी मजाक कर रहे थे, मारना मत। अब अच्छा चलो हम ये ड्रेस चूज करते हैं। हाँ ये अच्छी ड्रेस है, इसके साथ ना मैचिंग ज्वेलरीज लेके आते हैं हम। ऐसे क्या देख रही, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, याद नहीं? स्टोर रूम में मिले थे। दीदी इस ड्रेस के साथ ये वाला सेट और ये वाला एंकलेट, ठीक है? अच्छा है ना? ओ मैडम कहाँ खोए हो, बताओ ना अच्छी है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छी है। तो ये अच्छी सी ड्रेस के साथ ये अच्छी वाली ज्वेलरी पहन के तैयार हो जाओ, इसके बाद अच्छी वाली रंगोली भी तो बनानी है। अच्छा माते आप तैयार हो जाओ, ठीक है? छुटकी भौजी, बुआ जी आपको बुला रही है। अब जाओ यहां से, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। आशा बहू क्या कर रही हो तुम? वो मैं कपड़े देख रही थी। हाथ में कैंची ली है? वो मैं क्या? ये बुआ जी, वो हमने ही भाभी से कहा था कि अगर कपड़े ठीक से ना बने हो तो दोबारा से बना दे। जिसे खुद इतना अच्छा काम करना आता हो उसे दूसरों की रजामंदी लेने की कोई जरूरत नहीं होती। फिर भी बुआ जी, भाभी हमसे बड़ी है ना, तो उनकी इज्जत करना तो हमारा फर्ज है। बहुत अच्छी बात है छोटी बहू, पर तुम्हारे ये जो हाथ है ना वो कलाकार के हाथ है, इसलिए खुद को इज्जत देना भी फर्ज होता है तुम्हारा। तो भाभी आप क्या करना चाह रही थी? कपड़े काटना चाहती थी ताकि बुआ जी के सामने हम बुरे बन जाएं। भाभी इस घर में हमारे पे जितनी भी मुश्किल आई कहीं उन सब के पीछे आपका हाथ तो नहीं? पता नहीं, लेकिन आज के बाद इस घर में तुम पे जो भी मुश्किलें आएंगी के पीछे मैं ही हूं।